तो गाइस अंदर तो पूरा बुरा हाल है यार, बाहर आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा पेड़ गिर गया है। ये देखो पानी पूरा घर में घुस जा रहा है, पूरा दरवाजा से देखो तो पानी कैसे घुस रहा है। पूरा देखो तो कैसे हो रहा है, यहाँ से पझर रहे पानी टाइप लग रहा है। तो गाइस अंदर तो पूरा बुरा हाल है यार, बाहर आप लोग देख सकते हैं इधर पूरा पेड़ गिर गया है। मतलब मजाक कर रहे हैं यार, पेड़ नहीं गिरा है, मतलब इसको काट रहे थे हम लोग तो पानी क्या बोलते हैं थोड़ा सा कम, मतलब थोड़ा आ रहा था पानी ना, तो इसको काटने के बाद में और बढ़ गया पानी। तो अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, उसके बाद में अगर पानी रुकता है तो फिर से इसको क्या बोलते हैं काटना पड़ेगा। ये हम लोग क्या बोलते हैं घर के आंगन में ही यहाँ पे बगल में वाला इमली पेड़ है ना, तो बहुत लोग बोलते हैं क्या मतलब इमली का पेड़ अच्छा नहीं होता है ना, क्या बोलते हैं घर के बगल में मतलब घर के सामने या घर के आसपास भी कहीं भी, तो इसको हम लोग सोचे अभी लकड़ी का भी ज़रूरत है तो कटवा ही देते हैं सोचे। ऐसा लग रहा है कि पूरा यहाँ गर्रा घटा रहे यार, पूरा लाइटनिंग जा रही है, थंडरिंग जा रही है पूरा अचानक, मतलब अचानक इतना आज ही क्यों आ रहा है समझ में नहीं आ रहा पानी। ऐसा तो मतलब नहीं लग रहा था कि बारिश आ जाएगा घटा था, तो देखते हैं कब तक पानी रुकेगा, रुकने के बाद में इसको क्या करते हैं मतलब पूरा करना पड़ेगा। उधर और क्या बोलते हैं जकना जो निकला है ना उसको भी काटना है, तो काटने के बाद में इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको हटाना भी पड़ेगा ना, यहाँ पे आंगन में थोड़ी रहेगा वाला। बहुत बारिश आया यार, मतलब बारिश तो बहुत आया और उसके साथ साथ में हवा भी ना, तो वैसे में और ख़तरनाक हो जाता है। यहाँ नहीं, यहाँ पेशाब नहीं करने का। क्या बोला तूने? दूर भागो, दूर भागो। तो वेट करते हैं बारिश रुकने का, उसके बाद में आप लोगों को मतलब दिखाया जाएगा कि क्या से काट रहे हैं कैसे काट रहे हैं इसको, बस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस थोड़ा थोड़ा तो क्या बोलते हैं बारिश रुकता हुआ नज़र आ रहा है, बाकी मेरे को नहीं लगता है कि अभी ये पूरी तरह से रुकेगा। तो आप लोग देख सकते हैं इधर वायर वगैरह, इधर ये तो हमारे नाना बोलता है ना पड़ोसी इधर, तो उनके घर का है उसको भी यहाँ निकाल दिए थे मतलब क्या बोलते हैं काटने से पहले, और हम लोग के घर का ये बोर का भी इधर का निकाल देते हैं और उधर का भी। तो अब देखते हैं कब बारिश रुकेगा, तो कब लाइट आएगा, कब क्या होगा, आज तो मुश्किल ही नज़र आ रहा है। बाकी एक बार बारिश रुकते उसके बाद इसको भी काटते हैं मतलब जो बाकी है ना उसको भी। तो चलिए मैं आप लोग दिखाता हूँ मेरा मतलब रूम का हालत क्या है। तो ये वाला घर है, इसमें रहते हैं मम्मी पापा और इधर बहन लोग, और इसमें मैं रहता हूँ ये वाला घर में, बिना दरवाज़ा घर भाई। आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी ज़्यादा पानी आया तो यहाँ से मतलब अंदर घुसता है ना। सो गाइस इधर सीमेंट पड़ा हुआ है, ये वाला सीमेंट जो अभी घर घर क्या बोलते हैं नल बन रहे ना, घर घर बोलते हैं घर घर नल, वो वाला उसके लिए वाला है सीमेंट, इसको कल ही लाया गया है। पहले मतलब इस कलर का सीमेंट था, थोड़ा वीडियो में नॉइस आ रहा है तो जैसे तैसे देख लेना यार, अब क्या बोलें गरीब आदमी कहाँ से मतलब, समझ रहे हो ना? ठीक है समझ गया। तो चलिए दिखाता हूँ मैं अपना रूम, तो ये रहा मेरा रूम, मैं यहाँ पे सोता हूँ। यहाँ फैन का हालत आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जो किनारे से क्या बोलते हैं लाइट लाइट मतलब दिख रहा इधर ना, उधर से मतलब जब घिटास मारता है बोलते हैं झिटास मारता है, तो वैसे उस समय बहुत था। तो आप लोग देख सकते हैं पूरा मेरा यहाँ क्या बोलते हैं बेड भींग तो पूरा तो नहीं भींगा है, बाकी आप लोग देख सकते हैं फर्क यहाँ से नज़र आप लोगों को आ रहा होगा। अरे यार मेरा घड़ी क्या, अरे यार मेरा घड़ी की हालत देखो, ओ माय गॉड। कोई बात नहीं, तो इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ से भी धसकने वाला है, जो इसके बाहर में जो पेड़ है ना क्या बोलते हैं इसको कोमड़खा पेड़ है वो वाला, जब क्या बोलते हैं टंकी बन जो बन रहा था ना घर घर के लिए वाला नल के लिए,
तो पाइप लगा रहे थे तो खोद रहे थे, तो ये दीवार से उस पर क्या बोलते हैं रोड, उधर रोड है ना, तो किनारे रोड किनारे मतलब खोदे थे जेसीबी से, तो उसमें से वो कर रहे थे, तो ये यहाँ पेड़ है इसके पीछे, तो उसको थोड़ा सा धक्का लग गया था तो वाला पेड़ इधर गिर गया था, तो उसका क्या बोलते हैं असर है वाला, ज़्यादा होता तो इधर थोड़ा गिर सकता था वाला। पिछली बार आप लोग मतलब आप लोग पिछला वाला वीडियो भी देख चुके होंगे, यहाँ से जो पानी निकल रहा था ना ये वाला, तभी तो प्लास्टिक लगाया हूँ यहाँ पे ना, तो यहाँ से नहीं आता है पानी। देखते हैं अभी सीमेंट भी इधर पड़ा हुआ है, तो अगर देखते हैं कल धूप करेगा सवेरे तो उसको घोल बना के यहाँ से वो करेंगे, मतलब अल्वेस्टर यहाँ फटा हुआ है ना, इसी पेड़ से मतलब कुछ गिरा था ना तो यहाँ अचानक फट गया था, तो देखते हैं उसको भी सीमेंट वगैरह मतलब घोल बना के यहाँ पे प्लास्टर वो कर देंगे उसको भी। मेरे को नहीं लगता है कि पानी मतलब रुकने वाला है, सब तरफ से पूरा मौसम खराब है यार। ये देखो थंडरिंग, देखो आवाज़ आप लोगों को आ रहा होगा थंडरिंग का, ओटरी ना ओटरी तो मानना कर तो गाइस मेरे को तो नहीं लगता था मतलब बारिश रुकेगा, बाकी बारिश रुक गया ना, अभी तो थोड़ा इसको काटना मतलब क्लियर करना भी ज़रूरी है ना, आंगन में हो गया नहीं तो इसको यहाँ से लेके किनारे मतलब खींच के उधर घोड़ा में ले जा रहे हैं। इसको क्लियर करने के बाद नहीं पता नहीं ऊपर का तो अभी हो पाएगा या नहीं, उसको तो बोल नहीं सकते, बाकी बारिश इतना खतरनाक आ रहा था कि मतलब रुकेगा टाइप का नहीं लग रहा था। तो फाइनली गाइस यहाँ जितना कचरा यहाँ पे मतलब कि जो गिराया गया था ना यहाँ से जकना है, वहाँ से एक बाकी उधर से और इधर से एक किनार वाला इधर जो गिराया गया था बारिश से पहले उसको यहाँ अभी क्लियर हो गया है। अभी मतलब पानी भी आ गया है ना तो पिछले के ऊपर चढ़ेंगे तो ऊपर से काटना नहीं बनेगा, तो उसको कल ही काटना पड़ेगा, तो अभी तो थोड़ा थोड़ा धूप भी कर रहा है मतलब बारिश रुकने के बाद में।
तो चलते हैं अभी वहाँ टंकी के पास थोड़ा, क्योंकि मोबाइल में भी चार्ज नहीं है ना, तो वहाँ पे सोलर प्लेट लगा हुआ है ना, तो अभी थोड़ा धूप कर रहा है थोड़ा थोड़ा, तो चार्ज तो हो ही जाएगा, क्योंकि इधर का जो कनेक्शन है वायर क्या कहते हैं लाइट कनेक्शन है उसको निकाल दिया गया है ना, तो जब तक इसको क्लियर नहीं करते हैं काट के उसको तो जोड़ नहीं सकते हैं। तो आज और कल जब तक क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक लाइट नहीं आएगा, तो बगल वाले घर से देखते हैं लेना पड़ेगा शाम से, वायर तो इधर इधर पड़ा हुआ है तो उसी को जोड़ के, तो चलते हैं अभी चार्ज करने के लिए। सो गाइस इस वीडियो में इतना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं श्रीधर कल वाले वीडियो में, बाय बाय।